हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक यानी अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण दीजिए। तो किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें से हानिकारक या गैर उपयोगी पदार्थ को अलग करना होता है जो इसके साथ मिश्रित हो सकते हैं। शुद्ध रूप में प्राप्त अवयव सुविधापूर्ण तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम हस्त चयन विधि द्वारा चावल, गेहूँ चावल या दाल से गंदगी, पत्थर और भूसे के टुकड़े आदि थोड़ी बहुत औषधियाँ अलग कर सकते हैं। दूसरा, चावल या दाल को पकाने से पहले आमतौर पर धोया जाता है। जब हम इसमें पानी डालते हैं तो धूल और मिट्टी के कण जैसे औषधियाँ अलग हो जाती है। सो थैंक यू।